हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7, क्लास सिक्स सिक्स क्लास की एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 5.7। 5.7 में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, से ट्रू और फॉल्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स से हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखी है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ईच एंगल, हर एक एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का इज ए राइट एंगल। 90 डिग्री का होता है। हाँ, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रू। नेक्स्ट है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये जो साइड है ये इसके इक्वल होती है, तो ये बोल रखा अपोजिट साइड। अपोजिट मींस इसके आमने सामने की जो साइड है, ये अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट में ये है, ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होती है। कंडीशन ही ये होती है हमारे पास रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू। नेक्स्ट है द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वेयर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगनल्स ऑफ ए स्क्वेयर, एक हमारे पास स्क्वेयर है, स्क्वेयर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डायगनल्स, ये दोनों डायगनल ड्रॉ कर दें। तो इन्होंने बोल रखा है डायगनल्स ऑफ ए स्क्वेयर, एक स्क्वेयर के जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 का डिग्री का एंगल बनाते हैं टू वन अनदर, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये बनाते हैं हमारे पास, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस की सभी साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हाँ, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बट रोम्बस की हमारे पास डायगनल इक्वल नहीं होता। स्क्वेयर और रोम्बस में यही डिफरेंस है, स्क्वेयर की साइड्स भी इक्वल होती हैं एंड डायगनल भी इक्वल होता है, बट रोम्बस की हमारे पास साइड इक्वल होती हैं एंड डायगनल्स आर इज नॉट इक्वल। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रू। नेक्स्ट है All the sides of a parallelogram are of equal length. एक parallelogram है और उसकी सभी sides हैं वो equal length की होती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास square है तो हम क्या बोल सकते हैं, सभी side equal है, rhombus को बोल सकते हैं, बट एक parallelogram है, parallelogram में तो हमारे पास बहुत सी conditions आ जाती हैं, इसलिए हम क्या बोल देंगे, All the sides of a parallelogram, एक parallelogram की सभी जो sides हैं वो equal length की नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, false। नेक्स्ट है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल। अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती हैं, नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, ये इसकी एक साइड तो ये जो हमारे पास ऐसे होती हैं, ये साइड तो हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बट अपोजिट साइड नहीं बोल सकते, क्यों, अपोजिट तो ये भी है हमारे पास, तो ये साइड तो हमारे पास पैरेलल नहीं होती। क्या बोल देंगे, एनी टू साइड्स आर पैरेलल, की इसकी दो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, बट ये नहीं है कि ये दो इसके पैरेलल है, ये दो इसके पैरेलल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। इन सभी के लिए आपको एक रीज़न देना है कैसे। फर्स्ट है ए स्क्वेयर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वेयर है, क्या उसको हम एक स्पेशल रेक्टेंगल के उसमें सोच सकते हैं, ये बोल रखा आपको कि एक स्क्वेयर है, क्या उसको हम एक स्पेशल रेक्टेंगल मान सकते हैं या सोच सकते हैं उसको, तो क्या, बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। उसको हम बोल सकते हैं उसके जो सभी एंगल्स हैं वो कितने के हैं, राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री के, और स्क्वेयर के भी 90 डिग्री के होते हैं, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और दो साइड तो पैरेलल हैं ही, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक स्क्वेयर को एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल को क्या हम एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम मान सकते हैं, मान सकते हैं, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ए पैरेलल। क्यों, क्योंकि एक जो पैरेललोग्राम होता है उसमें कंडीशन क्या होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और रेक्टेंगल की भी हमारे पास यही कंडीशन है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी, दोनों की सेम कंडीशन है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि एक रेक्टेंगल है उसको हम किसी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम मान सकते हैं। नेक्स्ट है
थर्ड, स्केयर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रोम्बस। एक स्केयर को क्या हम एक स्पेशल रोम्बस मान सकते हैं? कैसे? देखो, स्केयर की भी सभी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्केयर के तो डायगनल इक्वल नहीं, सॉरी, स्केयर के तो डायगनल इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते। क्या लिख देंगे? बिकॉज इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है, एंड डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों के जो डायगनल्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, मीन्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो इट मीन्स हम क्या बोल देंगे कि कोई भी एक स्केयर है हमारे पास, उसको हम क्या मान सकते हैं? एक स्पेशल टाइप का रोम्बस मान सकते हैं। नेक्स्ट है, स्केयर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेलोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। कि ये सभी के सभी हैं, क्या ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं? बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव फोर साइड्स, इन सभी को हम क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। क्यों? क्योंकि सभी की हमारे पास कितने साइड्स हैं? फोर साइड्स हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल की भी कंडीशन क्या होती है? उसके अंदर फोर साइड्स होती हैं, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि हाँ, इसको मान सकते हैं, बिकॉज क्योंकि सभी है के फोर साइड्स हैं। नेक्स्ट है, स्केयर इज आल्सो ए पैरेलोग्राम। एक स्केयर है वो क्या एक पैरेलोग्राम होता है? ये बोल रखा है स्केयर इज आल्सो एक पैरेलोग्राम, स्केयर है वो एक पैरेलोग्राम भी होता है। कैसे? बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक हमारे पास ये स्केयर है मान लिया, जिसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल, और ये हमारे पास है मान लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेलोग्राम, थोड़ा सा ऐसे, ये हमारे पास क्या है? एक पैरेलोग्राम है। तो क्या बोल देंगे? बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक स्केयर को पैरेलोग्राम बोल देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं, एंड एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? स्केयर को एक पैरेलोग्राम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। एक फिगर है उसको हम क्या बोल देंगे? इज सेड टू बी रेगुलर, उसको हम बोल देंगे रेगुलर इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल, अगर उसकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं? इक्वल इन लेंथ, लेंथ में अगर उसके साइड्स इक्वल हैं, एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और जो एंगल्स हैं उनकी भी मेजरमेंट क्या हमारे पास? इक्वल हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्या हम उसको एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? अब देखो, उसकी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। जब हमारे पास साइड भी इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक स्केयर। तो क्या बोल देंगे? ए स्केयर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, कि हाँ, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एक स्केयर का। तो एक स्केयर है उसको हमने क्या बोल दिया? ए स्केयर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, कि एक स्केयर है वो हमारे पास क्या होता है? एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.7। ओके, थैंक यू।